देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। विधानसभा चुनावों के चलते बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगता है ग्वालियर चंबल संभाग की कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। वे एकदम अलग अंदाज में हैं और कांग्रेस को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डबरा के मंच से जिसने भी सिंधिया को देखा वह जोश से भर उठा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगर सौगंध खानी हो केवल आपके लिए नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, केवल अपने परिजनों के लिए नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हमें कमर कसना होगा और इन लोगों का सूपड़ा साफ करना होगा। उन्होंने मंच में हर हर महादेव के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सिंधिया ने तेज आवाज लगाकर जनता और कार्यकर्ताओं से पूछा कि तैयार हो क्या। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश भर में भाजपा के शक्ति सम्मेलन शुरू हो गए हैं। डबरा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने बूथ प्रभारी, कार्यकर्ताओं एवं केंद्र प्रभारी से एक एक कर चर्चा की और उन्हें बूथ को मजबूत बनाने और प्रत्येक बूथ से भाजपा को जिताने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान डबरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने भरे मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने डबरा को जिला बनाने की मांग उठाई। इमरती देवी ने कहा कि महाराज फिर भले ही मुझे टिकट मत देना, बस मेरे डबरा को एक बार जिला बनवा दो। मैं नाम के लिए मरती हूँ और मैं अपना और आपका नाम करना चाहती हूँ कि इमरती ने डबरा को जिला बनवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।